पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र सरकार से 60% राशि बढ़ाने की मांग की है। मंत्री पटेल की मांग पर बीजेपी पूर्व सांसद आलोक संजर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की व्यवस्था के मुताबिक पूर्ववर्ती सरकार काम करती थी, लेकिन जब काम करने की मंशा नहीं है तो सरकार के मंत्री इस तरह का बहाना करेंगे। संजर ने कहा कि सरकार में आना आसान है, लेकिन सरकार चलाना कठिन है। संजर ने कहा कि विपक्ष में रहते कांग्रेस अंबानी और अडानी पर आरोप लगाती रही है, अब निवेश के लिए इन्हीं के पास जा रही है। पूर्व सांसद ने बिजली के दामों में इजाफा को कांग्रेस सरकार की कथनी और करनी में अंतर बताया। मेरा ऐसा मानना है, एक जनप्रतिनिधि भी रहा और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, आप विस्थापन करो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गरीबों को भी उनको काम करने का अवसर मिलना चाहिए, व्यवसाय करने का अवसर मिलना चाहिए, सबके अपने अधिकार होते हैं। लेकिन किसी का अधिकार छीनकर दूसरे को अधिकार देना, ये न्याय संगत नहीं मानते हैं। जहाँ रेजिडेंशियल इलाका है एमपी नगर में, जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ प्रोफेसर्स हैं, वहाँ सरकारी कर्मचारी जो थे वो रिटायर होकर रह रहे हैं, आज वो जो बड़े बड़े अधिकारी थे वहाँ पर जिन्होंने अपने मकान बनाए, तो क्या उन्होंने अपराध किया? यदि घर के सामने गुमटी लगेगी, यदि घर के सामने ठेले लगेंगे, तो क्या उनका जीना दुश्वार नहीं होगा? मैंने इस संदर्भ में आदरणीय कलेक्टर महोदय जी से भी और नगर निगम कमिश्नर से भी व्यक्तिगत चर्चा करी है। मैंने उनसे आग्रह करा है कि आप विस्थापित करिए, उनके ठेले लगना चाहिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसे स्थान पर लगे जहाँ किसी को आपत्ति ना हो। अब वस्तुतः कमर्शियल इलाका है, कमर्शियल इलाके के साथ रेजिडेंशियल इलाका है, फिर पीछे रेलवे ट्रैक है, जो दुर्घटनाएं भविष्य में होंगी उसके जिम्मेदार कौन होगा? इन सब बातों का चिंतन करने के बाद कोई निर्णय करना चाहिए। लेकिन यदि किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर उसकी स्वार्थ पूर्ति करने के लिए यदि आप लगा रहे हो, तो